बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बिहारी बोटी कबाब बनाना बताऊंगी बेहद आसानी के साथ और बहुत लजीज। आइए बनाते हैं बिहारी बोटी कबाब। जी व्यूअर, पपीता कच्चा ये मैं कल लेकर आई थी, लेकिन हल्का सा ये येलो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी हार्ड है। ठीक है जी, कच्चा पपीता 2 टेबल स्पून पिसे हुए, 1 खट्टी, ये देखें मैं लेमन नहीं डाल रही, ये अमरूदों वाले के पास, सब्ज़ी वाले के पास आराम से मिल जाती है, आप उसे खट्टी कहें वो मिल जाएगी। अजवाइन 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और आपको जिस भी ब्रांड का पसंद है टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये हैं सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, ये देखें ये मैंने इसमें चॉप कर ली हैं, ये 2 टीस्पून या हसबे जायका। ठीक है जी, अब मैं इन चीज़ों को सारे को, पहले मैं पपीते को पीस कर लाती हूँ। जी व्यूअर, ये देखें ये मैंने आधा पपाया को पीस लिया, ठीक है जी, बिना पानी के, और ये इसको छिलके के समेत आपने पीसना है, इसलिए ये गोश्त गलता है, वरना गोश्त नहीं गलता। ठीक है जी, अब मैं गोश्त आपको दिखाती हूँ, ये 1 किलो का पीस है, मैंने गोश्त वाले से कहा कि मुझे ऐसे पूरा पीस दे दें, लेकिन बेहतर है कि आप लोग गोश्त वाले से ही उसे कहें बिहारी बोटी के, वो पतले पतले से टुकड़े काट के दे दें। जी व्यूअर, ये देखें आपने इसको लंबाई में पतला पतला सा काट लेना, ठीक है जी, ये जितना पतला होगा ना ये गलने में बेहद आसानी होगी और बहुत आसानी के साथ गल भी जाएगा और लजीज इसके अंदर मसाला भी रच जाएगा। और दूसरी बात के ये देखें, ये एक पीस में आपको काट कर दिखाती हूँ, ये इस तरह से आपने काटना है और दूसरी तरफ उसे कहें कि चर्बी ज़रूर लगी हो, चर्बी वाला पीस हमें दें। ठीक है जी। जी व्यूअर, आपके पास कोई भी बेलन या चीज़ हो उससे आपने इसको इस तरह से फ्लैट करना है। ठीक है जी, अभी मेरी हैमर वो मिल नहीं रही है तो मैंने इसको करना था, लेकिन अभी जो मुझे मिला मैंने उसी के साथ इसको कर दिया। आपने ऐसे लंबे लंबे परछे इसके तैयार कर लेने हैं। ठीक है जी। जी व्यूअर, ये देखें सारे गोश्त की मैंने कटिंग कर ली है, आप कोशिश करें पतले से पतला काटें। ठीक है जी, अब मैं इसमें ये पिसा हुआ पपाया 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून भरकर डालूंगी और इसको मिक्स करके 3 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। ठीक है जी, अब ये सारे मसाले जाएंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून अजवाइन जाएगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च जाएगी या हसबे जायका, जितनी आप पसंद करें। ठीक है जी, अब इसमें कसूरी मेथी जाएगी, ये मैंने धोकर खुश करके रखी हुई है। अब इसमें ये खट्टी जाएगी, बीज बिल्कुल ना जाए जी, 1 खट्टी का रस जाएगा और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल जाएगा। जी, अब ये इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ये जाएगा जी टिक्का मसाला। ठीक है जी, 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के जाएंगे, 1, 2 और ये 3। ठीक है जी, अब ये देखें मैंने आधा पपाया इसमें पीसा था, लेकिन मैंने 3 चम्मच डाले और 3 घंटे के लिए मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दूँगी। जी व्यूअर, ये देखें ये 2 घंटे हो गए हैं, शक्ल देखें कितनी प्यारी आई है। अब मैं इसको सीखों पे लगाना शुरू करूँगी। ठीक है जी, फिर मैं आपको सारी ये सीखों पर लगाकर तो मैं दिखाती हूँ। जी व्यूअर, ये देखें ये मैंने सारी सीखों में लगा ली है। ठीक है जी, अब ये देखें आपके पास बारबेक्यू सेटअप हो तो आप उसी पर कीजिए, बहुत अच्छी बनती हैं, तो मेरे पास नहीं है तो अब मैं इसके ऊपर ऐसे करूँगी। ठीक है जी, इनको हल्की आंच पे कम से कम 30 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ठीक है जी,
व्यूअर ये देखें, ये हमारी सीखें तैयार हो गई हैं, इनको मैं अब प्लेट में निकालूंगी। ठीक है जी, मैं जितनी तैयार हुई हैं मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जी व्यूअर ये देखें, बिहारी बोटी कबाब तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।